मसूरी विधायक गणेश जोशी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि ऐतिहासिक स्थल जॉर्ज एवरेस्ट हाउस के लिए 22 करोड़ का टेंडर स्वीकृत हुआ है और बहुत जल्द ही जॉर्ज एवरेस्ट का सौंदर्यकरण किया जाएगा। आपको बता दें कि जॉर्ज एवरेस्ट हाउस एक ऐतिहासिक स्थल है जहां पर हर वर्ष लाखों की संख्या में सैलानी घूमने आते हैं, लेकिन यह ऐतिहासिक स्थल तमाम संसाधनों के अभाव में चल रहा है। वहीं शहर की पेयजल व्यवस्था को लेकर विधायक जोशी ने कहा कि बहुत जल्द ही मसूरी के लिए यमुना से पेयजल योजना स्वीकृत हो जाएगी, जिसका लाभ स्थानीय जनता को बहुत जल्द मिल जाएगा। 22 करोड़ रुपए का उसका टेंडर स्वीकृत हो गया है, कॉन्ट्रैक्टर से उसका एग्रीमेंट हो गया है और शीघ्र ही जॉर्ज एवरेस्ट पर काम शुरू होगा। और एक बहुत बड़ी मसूरी की जो पेयजल योजना है, जिसकी जब हमारे राज्यसभा के सांसद आदरणीय बलूनी जी यहाँ पर आए थे, मैंने उनसे निवेदन किया था, उन्होंने मुझे आश्वस्त किया था। रवि मैं दिल्ली जाकर उनसे मिला और उन्होंने ये आश्वस्त किया कि बहुत जल्दी वही योजना हमारी स्वीकृत हो रही है और उसको बनने के बाद आने वाले 40 साल तक मसूरी के अंदर पानी की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। संवाद 365 के लिए मसूरी से राजवीर रौंचला की रिपोर्ट।